एक विजन जिसने ब्रह्मांड को लेकर हमारे विचार बदल दिए। पीरियोडिक टेबल मेंडलीव के सपने में खुद आया था। दुनिया के सक्रिय कानूनों के पीछे की एक रहस्यमयी आवाज। हैमुराबी के उपदेश एक बेहद एडवांस ओरिजिन से आते हैं और एक ऐसा आविष्कार जिसने एक साथ दो लोगों के दिमाग पर दस्तक दी। ऐसा समझा जाता है कि ये आइडियाज तो दुनिया की हवा में ही खुले हुए हैं। पूरे इतिहास में जीनियस लोगों ने अपनी सफलता का श्रेय अनजानी शक्तियों को दिया है, मगर क्या सच में उनके दिमाग के पीछे कोई ऐसी शक्ति थी जो दूसरे ग्रह से आती थी? इन लोगों पर परग्रहियों का प्रभाव था जो इन्हें मानव सभ्यता का रास्ता दिखाने के लिए प्रेरित कर रही थी। हमेशा से करोड़ों लोगों का मानना है कि हमारी दुनिया में परग्रही शक्तियों का आना जाना होता रहा है, लेकिन अगर ये मान्यताएं सच हुई तो क्या होगा? क्या हमारे पूर्वज एलियंस थे जिन्होंने हमारे समाज को बनाने में हमारी मदद की? और अगर ऐसा था तो क्या यही शक्तियाँ दुनिया के सबसे महान लोगों की सफलता के लिए जिम्मेदार कही जा सकती है? साइंस डॉक्यूमेंट मिस्ट्रीज पेश करता है द जीनियस फैक्टर। टोकोमा, वॉशिंगटन, 2002। 31 बरस के जेसन पेजेटी जब एक बार से बाहर निकल रहे थे तो दो अनजान लोगों ने उनकी पिटाई कर दी और वो बेहोश हो गए। जब वो जागते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वो भाग्यशाली हैं जो जिंदा बचे हैं। उन्हें सिर्फ किडनी में खरोच और दिमाग में चोट आई है, लेकिन आने वाले दिनों में जेसन दुनिया को अलग नजरों से ही देखने लगते हैं। जेसन पेजेट कोई प्रोफेशनल मैथमेटिशियन नहीं थे। उन्होंने भी हम सब की तरह स्कूल में गणित पढ़ा था और वो उसमें कुछ खास नहीं थे, लेकिन अपने पीटे जाने के बाद वो जहां भी जाते हर चीज को गणित के समीकरणों की नजरों से देखते और ये सब उन्हें काफी सुंदर लगता। उन्होंने सिनेस्थीजिया डेवलप कर लिया था जिसमें वो दुनिया को फैक्टोरियल इमेजेस में देखते थे और धीरे धीरे वो उसमें बेहतर करने लगे, उन्हें गणित भाने लगा। वो ऐसी चीजों में भी पाइथागोरस थ्योरम देखते थे जिन्हें ज्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करते थे। वो इन सब का विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उन्हें ड्रॉ करना शुरू किया था। जेसन दुनिया के इकलौते शख्स बने जो सिर्फ हाथों से कठिन फैक्टोरल स्ट्रक्चर बना लेते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी से वो गुजरे थे उसने उन्हें एक आम शख्स से जीनियस बना दिया था। जब किसी को ट्रॉमेटिक इंजरी होती है तो ब्रेन की पूरी वायरिंग को झटका लगता है और ऐसी अवस्था में दिमाग पूरी कोशिश करता है कि वो ऐसी इंजरी से हुए डैमेज को कम से कम कर दे। इसके लिए वो सारे सर्किट्स को रीवायर करता है। जेसन पेजेट की कहानी भले ही अद्भुत हो मगर ये यूनिक नहीं है। सू फॉल्स साउथ डकोटा में डेरेक अमाटो का सर एक बार पूल की दीवार से टकरा गया था, जिसके बाद वो एक टैलेंटेड पियानिस्ट बन गए। ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने कभी पियानो छुआ तक नहीं था। मैसाचुसेट्स में 35 बरस के जॉन सार्किन सर्जरी के बाद स्ट्रोक से जूझ रहे थे, लेकिन बाद में वो मशहूर आर्टिस्ट बनकर उभरे और अपने एपिलेप्टिक सीजर्स के बाद भी डैनियल डैमेट एक मैथमेटिकल और लिंग्विस्टिक जीनियस बने जो सिर्फ देख कर बड़े बड़े समीकरणों के हल बता देते थे। और उन्होंने बाद में कुछ ही दिनों में कई दूसरी भाषाएं भी सीख ली। लेकिन अगर ऐसी ट्रॉमेटिक इंजरीज किसी इंसान की दिमागी क्षमताओं को बढ़ा सकती है, उसे जीनियस बना सकती है, तो उससे हमें जीनियसेस के बारे में क्या पता चलता है? किसी का जीनियस होना एक बेहद रेयर इवेंट होता है। वो सबके मूलभूत तरीकों से कुछ अलग करते हैं, इसीलिए हम सीधे
किसी जीनियस के दिमाग को नहीं समझ सकते हैं। क्या दिमाग पर लगी कोई चोट दिमाग के ऐसे हिस्सों को खोल देती है जिससे नए आइडियाज कॉन्सेप्ट्स पैदा होती हैं, जो इस पूरी दुनिया के भूल भुलैये में सिर्फ जीनियसेस को ही समझ आती है? और अगर ऐसा है तो क्या इससे हम हर सदी में हुए जीनियसेस जैसे आइंस्टाइन, शेक्सपियर, दविंची, कन्फ्यूशियस और प्लेटो के हमारे समाज को बनाने वाले उन तमाम विजनरी विचारों के पीछे के सच को जान सकते हैं? मॉडर्न साइंस आज भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, क्योंकि बीच बीच में जेसन जैसे तमाम जीनियसेस पैदा होकर उस पारंपरिक धारणा को तोड़ देते हैं कि जीनियस बनने के लिए अच्छे जीन्स और मेहनत चाहिए होती है। हाँ, इस चीज में अनुवांशिकता का एक पक्ष होता है और इसके कई उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, जैसे बेकन फैमिली ने कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक दिए, डार्विन फैमिली भी वैसी ही थी। तो ऐसे लोग हैं जिन्हें ये गुण पूर्वजों से मिलते हैं। पूरे इतिहास में जीनियस समझे जाने वाले लोगों में कुछ समान खूबियां थी। पहली, वो सब धारा के विपरीत तैरते थे। उनमें से ज्यादातर लोग युवावस्था तक हैंडीकैप थे, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती थी, लेकिन वो फिर भी खड़े होते और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते। बीसवीं सदी के जाने माने जीनियस अल्बर्ट आइंस्टाइन ऊपर बताई गई खूबियों के ढांचे में फिट बैठते थे। उनकी जिज्ञासा और ललक अलग लेवल की तो थी ही, लेकिन उनका दिमाग भी कई दूसरी खूबियां रखता था जो उन्हें नए आइडिया सोचने में मदद करता था। 1955 में आइंस्टीन की मौत के बाद उनके दिमाग को अगले 50 सालों तक फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में रखा गया था, लेकिन कुछ सालों पहले ही उसकी सही से जांच हो पाई है। जांचकर्ताओं को पता चला कि उनका कॉर्पस कॉलम औरों के मुकाबले ज्यादा मोटा था। ये असल में दिमाग के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला बैंड होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कॉर्पस कॉलम दिमाग के सारे हिस्सों को जोड़ता है और ये ही क्रिएटिविटी और हायर थिंकिंग के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन क्या दिमाग का आकार ही किसी शख्स के इंटेलिजेंट होने के लिए जिम्मेदार है? वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। जब हम इंसानी दिमाग की बात करते हैं तो समझ भी नहीं पाते कि क्या वाकई इसमें वो न्यूरोलॉजिकल पावर है जो इंसान को जीनियस बनने की क्षमता देती है, और क्या इसी वजह से सच में एक इंसान अपने जीवन में इतनी इन्वेंशंस कर सकता है। और मेरे हिसाब से तो ऐसी इन्वेंशंस के बारे में सोच पाना ही बहुत बड़ी बात है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीनियस समझे जा रहे लोग बाहरी शक्तियों से प्रेरित होते हैं। क्या जीनियसेस के पास दुनिया से परे चीजों की समझ होती है? क्या उन्हें बाहर से आइडियाज भिजवाए जाते हैं और वो उन्हें अपने सपनों में डाउनलोड करते हैं? यही तो हमारे सामने सबसे बड़े सवाल हैं। ऐसा हो सकता है कि उनके दिमाग की वजह से उनकी सोच में चेंजेस हुए हों। इस बात की भी संभावनाएं हैं कि इनसे एक सामान्य इंसान होने और इंसानों के ज्ञान को इकट्ठा करके जीनियस बनने का फर्क समझा जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पैदाइशी जीनियस नहीं बल्कि बाहरी शक्तियों से प्रभावित जीनियस हो? कुछ वैज्ञानिक दुनिया के कुछ सबसे पुराने जीनियसेस के दिमाग की तफ्तीश करके इस बात को सिद्ध करने का दावा करते हैं।
द लूव, पेरिस, फ्रांस। इस ऐतिहासिक म्यूजियम में दुनिया के सबसे पुराने लीगल डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। ये खंबा बेबीलोन के देवता शामास और राजा हम्मुराबी की बातचीत का चित्र दर्शाता है और उसके नीचे उनके द्वारा अपने लोगों को दिए गए उपदेश लिखे गए हैं, जिसे द कोड ऑफ हम्मुराबी भी कहते हैं। हम्मुराबी बेशक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जीनियस में से एक थे, पर वो सिर्फ बेबीलोन के राजा होने के वजह से नहीं, बल्कि अपने द्वारा दिए गए कोड ऑफ हम्मुराबी की वजह से फेमस थे। वो असल में दुनिया का पहला लीगल रिकॉर्ड था। वो हमारे आजकल के दस्तावेजों से थोड़ा अलग है, मगर उन्होंने व्यवस्था, टैक्स और सामाजिक न्याय की बातें लिखी जिन्हें उस वक्त सभी ने माना। उनकी लिखी हुई कुछ बातों में से अभी भी कुछ मानी जाती हैं, हाँ थोड़े बदलाव के साथ। द कोड ऑफ हम्मुराबी एक प्रोलॉग के साथ शुरू होता है जिसमें राजा अपने कार्यों के बारे में बताता है, लेकिन वो साफ कहता है कि ये उपदेश बेबीलोन के देवता शमास के द्वारा दिए गए हैं। राजा हम्मुराबी एक बार एक गहरे सपने में गए जहां शमास ने उनके अंदर प्रकट होकर ये उपदेश दिए और वो बदली हुई आवाज में बातें बड़बड़ा रहे थे। फिर हम्मुराबी अपनी नींद से जागते हैं और उन्हें कुछ याद नहीं होता क्योंकि वो सब देवता की तरफ से आया होता है। और अजीब बात ये थी, हम्मुराबी ने कभी इसे लिखने का दावा नहीं किया, उन्हें मालूम था कि ये उनके देव की देन है। कोड ऑफ हम्मुराबी से हमें जो न्याय व्यवस्था मिलती है वो आज के दौर में भी रेलेवेंट है और हमारे समाज में उसकी छाप मिलती है, और इससे ये बिल्कुल साफ पता चलता है कि ये उपदेश एक बेहद एडवांस ओरिजिन से आए थे। कोड ऑफ हम्मुराबी की कहानी बहुत यूनिक नहीं है। पुराने वक्त में कई बातें जैसे धार्मिक विचार, वैज्ञानिक सिद्धांत जो ग्रीस, रोम से होकर भारत और चीन तक फैले थे, वे सब एक ऊपरी शक्ति या आकाशवाणी से प्रेरित समझे जाते थे। जरा सोचिए, मोसेस, अब्राहम, नोआ, प्रॉफेट, जीसस, बहुत सारे लॉज, रूल्स, कस्टम्स और ट्रेडिशंस जिन्हें हम आज भी फॉलो करते हैं, वो सब उन्हें किसी परम शक्ति से प्राप्त हुआ था। और ऐसा सिर्फ ईसाई संस्कृति में नहीं है, ऐसा सभी जगह है। हमारे पास ऐसे कई नियम हैं जिनके इतिहास पर गौर करें तो समझ पाएंगे कि ये सब किसी परम शक्ति से मिला हुआ था जो इस दुनिया की नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि सभ्यता का इतिहास समाज के जाने माने लोगों ने नहीं बल्कि उन्हें प्रेरित कर रही बाहरी शक्तियों ने किया हो? पुराने लोगों के पास इसका जवाब था। गौर करें कि लैटिन शब्द जीनियस जीनी से बना है जिसका अर्थ होता है स्पिरिट ऑफ अ पर्सन और प्लेस। पुराने समय में जीनियस होने का विचार आज की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावी था। जीनी अपनी तरह की एक अलग शक्ति होती थी और अगर आपकी उससे दोस्ती होती है तो वो आपको काफी फायदे दे सकती थी और ये काफी कुछ अच्छा होने का स्रोत बन सकता था। आप उसके लिए एक माध्यम बन सकते थे, इन्वॉल्व हो सकते थे, मगर शक्ति हमेशा जीनी के पास ही रहती थी। ग्रीक लोगों ने माना कि वे म्यूजेस से इंस्पायर्ड थे, तो क्या वजह थी जिसकी वजह से कोई म्यूजिशियन नई धुनें बना पाता था, कोई लेखक कहानी लिख पाता था? क्या उनमें म्यूजेस की आत्मा आ जाती थी जो उन्हें क्रिएटिव बना देती थी? और ऐसा हम इंस्पायर शब्द में भी देख सकते हैं जिसका मतलब होता है इन स्पिरिट। जब हम इंस्पायर्ड होते हैं तो हमारे भीतर एक स्पिरिट होती है जो हमें सारी चीजें बताती है। पुराने वक्त में अलेक्जेंड्रिया के इजिप्शियंस ने दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने की कोशिश की। उन्होंने म्यूजिस का एक मंदिर बनाया और उनकी लाइब्रेरी को ज्ञान से भरने की प्रार्थना की। जब आप आई एम फाइंडिंग माई म्यूज कहते हैं तो इसका मतलब होता है
आप वो चाबी ढूंढ रहे हैं जो आपकी क्रिएटिविटी के दरवाजों को खोल दे। ये दरवाजे हम सभी के अंदर होते हैं। क्या ऐसा संभव है कि कॉन्शियसनेस की इस उच्च अवस्था में पहुंचकर दूसरी दुनिया की एंटिटी से संपर्क किया जा सकता है? मेरे हिसाब से ये संभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि पुराने वक्त से हम जिन चीजों को भगवान का संदेश मानकर चल रहे हैं वो असल में दूसरी दुनिया की शक्तियों से आते हो? कई वैज्ञानिक तो यही मानते हैं। पुराने वक्त में यही माना जाता था कि लोगों पर बाहरी शक्तियों की कृपा है जिसकी वजह से वो बड़े बड़े कार्य और विशेष विचार ला पाते हैं और लोग उन्हें जीनियस समझते हैं। और चूंकि ये सारी चीजें उनके अंदर से नहीं बल्कि कहीं बाहर से आती हैं, तो शायद ये सारे विचार परग्रहियों द्वारा कहीं से भेजे जाते हों। शायद इसके पीछे विश्वास है कि लोग सीधे एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल से प्रभावित हो जाते थे जिससे वो परम ज्ञान और नए आइडियाज लाकर हमारे समाज को बदलते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि पुराने और आज के वक्त के जीनियस को उनकी शक्तियां और ज्ञान परग्रहियों से मिलती है? शायद इसका जवाब हिंदू सभ्यताओं और संस्कृतियों को जानकर मिल सके। मद्रास, भारत। 20वीं सदी के पहले दशक में श्री निवासन रामानुजन नाम के एक युवा गणितज्ञ जिन्हें कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी, उन्होंने दुनिया को अपने थ्योरम से काफी बार चौंकाया। तब दुनिया के माने हुए गणितज्ञ भी उनके द्वारा दिए गए शानदार फॉर्मूलाज को देखकर भौचक्के रह जाते थे। लेकिन जितने विचित्र उनके ये सूत्र थे उतनी ही विचित्र ये बात थी कि उन्हें ये सब अपने सपनों में दिखता था। वो कहते थे कि नामागिरी नाम की एक देवी उन्हें ये सारे के सारे सूत्र बताती है। इन सूत्रों को हम मार्जिनल फंक्शंस कहते हैं और आज तक वो सूत्र गणित और फिजिक्स के सबसे एडवांस सूत्र कहे जाते हैं जिन्हें रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को समझने में यूज किया जाता है। बिना गणित का बैकग्राउंड होते हुए भी कैसे कोई इतना कठिन थ्योरम सपनों में देख सकता है? क्या रामानुजन की कहानी इस बात का खुलासा कर सकती है कि हम कैसे दिमाग के बाहर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करता है कि कॉस्मिक लेवल पर किस तरह की घटनाएं होती हैं जिससे हम कॉन्शियसनेस को बेहतर समझ सकते हैं। तो इन सब के पीछे क्या और कैसा संबंध होगा, यही तो असल प्रश्न है। जिन लोगों को ये ज्ञान मिलता है ऐसा नहीं है कि वो इसके लिए कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल वो इनके दिमाग के एक हिस्से में आकर ठहर जाता है। क्या असली जीनियस एक यूनिवर्सल माइंड की देन है या ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है? प्राचीन हिंदुओं का मानना है कि कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस असल में मौजूद है। ये एक यूनिवर्सल फोर्स है जो किसी व्यक्ति के द्वारा महसूस किया जाता है। इसमें हर थॉट, एक्शन, इमोशन और एक्सपीरियंस स्टोर होता है। वेस्ट के लोग इस चीज को आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। आकाशिक शब्द का मतलब होता है आसमान, यानी ऐसा कुछ जो बाहरी है मगर आपके दिमाग की शक्तियों से एक्सेस किया जा सकता है। उस अलिखित परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करना होगा और ऐसा करने के बाद ही आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। क्या सभी जीनियसेस में अकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की क्षमता होती है या उनके पास यूनिवर्सल माइंड है? और अगर ऐसा है
तो क्या उन्हें उनका ज्ञान बाहरी शक्तियों की मदद से मिलता था? आइंस्टाइन को अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक सपने में दिखी थी। फ्रीडरिक अगुलोस काकुले ने बेंजीन अणु की शेप दोपहर में सोते वक्त सपने में देखी थी, जिसमें एक सांप अपनी ही पूंछ को चेस कर रहा था। और माने हुए रूसी केमिस्ट मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल भी सपने में ही देखा था। उन्होंने अपने सपने में सारे एलिमेंट्स को जमे हुए देखा। सारा पीरियोडिक टेबल बिल्कुल जमा हुआ उनके सपने में आया था, और जागने के बाद उन्होंने सब ड्रॉ कर लिया। आज भी वो वही टेबल यूज करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी यूनिवर्सल शक्ति ने इन जीनियस लोगों पर विशेष ध्यान दिया हो? और क्या इन ऐतिहासिक घटनाओं को साबित किया जा सकता है? न्यू मेक्सिको की माइंड नेटवर्क रिसर्च यूनिवर्सिटी में न्यूरोफिजिसिस्ट रेक्स यंग ईएमजी मशीन की हेल्प से एक टेस्ट सब्जेक्ट की ब्रेन एक्टिविटी को माप रहे हैं। डॉक्टर यंग का मानना है कि इस टेस्ट से हम क्रिएटिविटी ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स खोज सकेंगे। हम आंद्रे के साथ तीन चीजें करेंगे। पहला वोकैबुलरी टेस्ट, दूसरा पेपर फोल्डिंग और तीसरा इंडक्टिव रीजनिंग। आंद्रे, तुम अब अपने जबड़ों को भीजते रहो। जैसे जैसे सब्जेक्ट रोज की चीजें करता है, ईएमजी मशीन उनके ब्रेन की एक्टिविटी को मापती है। आंद्रे, अब अपनी आंखों को पीछे करो। डॉक्टर यंग टेस्ट से पहले आंद्रे के दिमाग को नॉर्मल कर रहे हैं। आंद्रे, क्या कुछ देर के लिए तुम अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स कर सकते हो? जैसे जैसे सब्जेक्ट का दिमाग रिलैक्स होता जाता है, उसकी ब्रेन एक्टिविटी भी कम होती जाती है। लेकिन तभी ईएमजी मशीन को कुछ नया मिल जाता है, अल्फा वेव्स। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तरंगे हमारे अवचेतन दिमाग को अपने आप काम करने की क्षमता देती है, हमारे चेतन दिमाग से बाहर। अल्फा वेव्स डाइवर्जन और क्रिएटिविटी जैसी चीजों से जुड़ी होती है, और ये ब्रेन को रिलैक्स भी करती है। मेरे ख्याल से किसी भी जीनियस में ये सबसे बड़ा गुण होता है कि वो शांत दिमाग से नए आइडियाज को खोज सकता है। क्या अल्फा वेव्स ने रामानुजन, आइंस्टाइन और मेंडलीव की हेल्प की थी और उन्होंने ही इन्हें ब्रिलियंट बनाया था, या पुराने लोगों ने अपनी सभ्यता बनाते वक्त भगवान की बातों को इन वेव्स द्वारा हम तक पहुंचाया? लेकिन सवाल उठता है कि ये वेव्स आखिर आई कहां से? यही तो मिलियन डॉलर का सवाल है। आप यही पूछ रहे हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है, और हम लोग भी उसे ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जिन्हें हम भगवान के उपदेश समझते हैं, वो विचार जीनियस लोगों के मन में क्षणिक रूप से आए हुए होते हैं। लेकिन किसी इंसान द्वारा उनका लाया जाना संभव नहीं, ऐसा सिर्फ बाहरी शक्तियां कर सकती हैं। वक्त के साथ हम ये साफ साफ समझ पा रहे हैं कि हमारे दिमाग में ऐसा सिस्टम बना हुआ है जो हमें पहले से ही हो रही और लिखी जा चुकी बातों की तरफ बढ़ाता है, और ऐसे ही हमारी सभ्यता का विकास होता चला जाता है। तो सवाल ये है कि क्या परग्रही किसी तरह से अपने इस जबरदस्त ज्ञान को एक निश्चित वक्त और जगह पर लोगों के दिमाग में भेज रहे हैं, या फिर पहले वो इस ज्ञान को समझने वाले लोगों का चयन करते हैं जो इस तरह के ज्ञान को लेने की क्षमता रखते हैं? अगर अकाशिक रिकॉर्ड सच में होते हैं, तो क्या परग्रही उसके इस्तेमाल से हमारी सभ्यता को आकार दे रहे थे? इसका जवाब शायद अलग अलग जगहों पर मिले, अलग अलग लोगों द्वारा किए गए साइंटिफिक ब्रेक थ्रू इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजीज को समझकर मिल सकता है। वॉशिंगटन डीसी,
14 फरवरी 1876 एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के वकील ने एक सुबह यूएस पेटेंट ऑफिस जाकर कुछ दस्तावेज दर्ज करवाए, जिसमें बेल ने हार्मोनिक टेलीग्राफ को समझाया था। ये एक ऐसा डिवाइस था जिससे वोकल साउंड यहां से वहां भेजे जा सकते थे। हालांकि बेल के अलावा भी एक शख्स ने अपना पेटेंट उसी सुबह भेजा था। ये चीज बाद में टेलीफोन बनकर सामने आई। ग्राहम बेल को टेलीफोन का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एलिशा ग्रे नाम के एक दूसरे व्यक्ति ने भी उसी दिन वैसा एक डिवाइस बनाया था। बेल के इंस्ट्रूमेंट में एक हिस्सा दूसरे से कनेक्टेड नहीं था, जबकि ग्रे के डिवाइस के हिस्से जुड़े हुए थे। और आज टेलीफोन वैसे ही काम करते हैं। ऐसा कैसे संभव है कि दो इन्वेंटर्स एक वक्त पर एक ही तरह के आइडियाज के साथ आते हैं? ऐसे पेटेंट उससे पहले कभी दर्ज नहीं किए गए थे, पर एक ही दिन पर एक जैसे दो पैटर्न दर्ज होते हैं। तो क्या ये आकाशिक रिकॉर्ड्स के होने का सबूत है? ऐसा यूनिवर्सल माइंड जिससे कुछ लोग ही जुड़ सकते हैं। बेल और ग्रे दोनों ने एक दूजे पर आइडिया चुराने का आरोप लगाया, लेकिन इस बात में कोई दोराय नहीं है कि दोनों ने अपने मॉडल्स को सालों मेहनत करके बनाया था। लेकिन फिर भी ये कहानी यूनिक नहीं है, बल्कि ऐसी और भी कई कहानियां हैं। पूरे इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जिनमें दो अलग अलग लोगों ने लगभग एक ही वक्त पर एक सा आविष्कार किया हो, भले ही दोनों आपस में कभी भी ना मिले हों। 1922 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दो सोशियोलॉजिस्ट विलियम ऑगबर्ग और डोरथी थॉमस ने एक एकेडमिक पेपर पब्लिश किया, जिसका टाइटल था आर इन्वेंशंस इनएविटेबल। उनकी रिसर्च में उन्होंने 148 ऐसी घटनाओं को समझा जिनमें समान तरह के आविष्कार एक ही वक्त पर हुए थे। वॉलेस और डार्विन दोनों एक साथ थियरी ऑफ एवोल्यूशन लेकर आए थे, और कैलकुलस की खोज भी कुछ ऐसे ही हुई थी। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, और कई लोग थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था। ये काफी हैरानी की बात है ना? ऑगबर्न और थॉमस ने कहा कि अगर इन आविष्कारों को करने वाले लोग पैदा होते ही मर भी जाते, तो भी इनकी जगह कोई दूसरा आकर उसी वक्त के आसपास वे आविष्कार कर देता। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो भी आइडिया डिस्कवर किया गया है वो हमेशा सामने ही था, मगर बिखरा हुआ था, लेकिन किसी ने उनके टुकड़ों को जोड़ दिया और नए कॉन्सेप्ट बना दी, इन्वेंशन कर दी। ऐसा माना जाता है कि आइडियाज तो हवा में ही खुले होते हैं, लेकिन सिर्फ विशेष लोगों का दिमाग ही उन्हें जोड़कर कुछ नया बना लेता है। क्या ऐसा संभव है कि इस यूनिवर्स का सारा ज्ञान, जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स भी कह रहे हैं, हमारे आसपास ऊर्जा के रूप में मौजूद हो, और जिन लोगों को हम जीनियस कहते हैं सिर्फ वही उस ज्ञान से जुड़ पाए हों? ये सब यहाँ क्या चल रहा है? ये सब कॉम्प्लेक्स विचारों का ताना बाना है, और हम किसी रैंडम आइडिया की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर यूनिवर्स का भी तो अपना योगदान होता है। परग्रही निश्चित रूप से अपने फेवर वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज हमारे समाज में ढाल रहे हैं। हमने वक्त वक्त पर विकास और आविष्कार किए हैं, इससे आप उनके पैटर्न को समझ सकते हैं। क्या
क्या सही वक्त पर आए हुए आविष्कार महज एक संयोग से हुए हैं? और तो और, इतनी बेसिक टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हुए भी उन्हें इन्वेंटर्स की मदद कौन कर रहा था? क्या वे परग्रही थे जो आकाशिक रिकॉर्ड्स का यूज करके उन्हें रास्ता दिखा रहे थे? तो शायद ये एकेडमिक और इन्वेंटर लोग एक तरह के आविष्कारों पर ही काम कर रहे थे। अनजाने में वो जुड़ जाते हैं और सब अपना अपना ज्ञान दुनिया को देते हैं, लेकिन फिर भी सब में कमियां होती हैं, जो वक्त के साथ सुधरती हैं, और ये सब उन आकाशवाणियों के कारण होता है। फिर दुनिया ज्ञान के एक निश्चित मुकाम पर पहुंचती है, और फिर एक दिन न्यूटन के सिर पर सेब गिर जाता है। अगर परग्रही आकाशिक रिकॉर्ड्स का यूज करके मानव सभ्यता को आकार देने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके पीछे उनका क्या मकसद था? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका जवाब 21वीं सदी के सबसे इंपॉर्टेंट आविष्कार की जांच करके किया जा सकता है। सैन फ्रांसिस्को, 9 जनवरी 2007। हर बार वक्त बीतने के साथ कोई ना कोई नया आविष्कार दुनिया में आता है और दुनिया को बदल देता है। एनुअल मैक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में एप्पल कंप्यूटर के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एक ऐसा इन्वेंशन दुनिया को दिया जो आने वाले वक्त में दुनिया का अहम हिस्सा बनने वाला था। हम एक ऐसा अद्भुत फोन बनाना चाहते हैं जो सबसे ज्यादा स्मार्ट होगा और दुनिया का सबसे इजी टू यूज फोन होगा, और हम लोग उसे कहेंगे आईफोन। अपने जबरदस्त डिजाइन और मार्केटिंग के बदौलत आईफोन दुनिया में छा गया, और आने वाले 7 सालों में उन्होंने 500 मिलियन से भी ज्यादा डिवाइसेस बेचे। आईफोन के साथ आईपैड और आईमैक लाकर स्टीव जॉब्स की सोच ने मॉडर्न समाज को बदल कर रख दिया। स्टीव जॉब्स के आविष्कारों ने हमारे समाज को बिल्कुल बदल डाला। अब सूचनाएं धीरे धीरे सीधे तौर पर देखी और समझी जा सकती थी, और अब लोग मशीन से भाग नहीं सकते थे। उन्होंने कंप्यूटर और फोन जैसी चीजों को आम लोगों के लिए सामान्य बना दिया, और इससे लोगों की जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई थी। ये एक रेवोल्यूशन था। लेकिन दा विंची, टेस्ला और आइंस्टाइन की तरह जॉब्स ने भी माना कि उनके आविष्कारों के पीछे ध्यान जैसी असाधारण चीज थी। ताशाहारा ज़ेन माउंटेन सेंटर, कैलिफोर्निया, दुनिया के सबसे पुराने मेडिटेशन सेंटर्स में से एक है। जॉब्स के अनुसार उन्होंने इसी मॉनेस्ट्री में ध्यान लगाकर जीवन के सारे सफलता सूत्रों को सीखा और आजमाया। स्टीव जॉब्स ने अपनी 20 से 22 की उम्र में बुद्धिज्म को समझा और सीखा कि उनकी जिंदगी की दिशा किस तरफ होनी चाहिए। जब आप उनके जीवन के पन्ने पलटेंगे तो समझेंगे कि उन्होंने कैसे मन को शांत करके कई सारी मुश्किलों को बहुत आसान बनाया। जॉब्स के हिसाब से ज़ेन मेडिटेशन ने उनके विचारों को दिशा दी, और वो अपने शरीर के बाहर की ऊर्जा से जुड़ने लगे। जैसे कि जॉब्स कहते थे, आपका दिमाग ठहर जाता है और आप अपने दिमाग का खुलना महसूस कर सकते हैं। आप वो सब भी देख पाते हैं जो पहले आपके बस का नहीं था। मेरे हिसाब से वो फ्लो स्टेट में जाने में माहिर थे। फ्लो स्टेट चेतन मन की सबसे बड़ी ताकत है, जिससे समय रुका हुआ सा लगता है और हम काम में लीन हो चुके होते हैं, और हम अपने काम को और बेहतर कर सकते हैं। क्या ये संभव है कि स्टीव जॉब्स के विचारों ने सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी को ही नहीं बल्कि सभ्यता को भी एक नई राह दी कि इसे कैसे बेहतर बनाया जाए और हम कैसे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? क्या आईफोन के साथ जॉब्स ने छोटे स्तर पर ही सही
पर ब्रह्मांड में मौजूद कलेक्टिव नॉलेज की एक लाइब्रेरी बना ली, जिसमें अब उसका हर यूजर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। तो क्या टेक्नोलॉजी हमें आकाशिक नॉलेज को हासिल करने की राह दिखाएगी? कुछ वैज्ञानिक इस परम ज्ञान को हमारे आसपास ही मौजूद मानते हैं। कॉन्शियसनेस अपने आप में एक बेहद खास ऊर्जा हो सकती है, जिसे हम ऑनलाइन जाने जैसे क्रिया की तरह हासिल कर सकते हैं। जैसे आप ये नहीं कहते कि दुनिया का सारा ज्ञान आपके फ़ोन में है, लेकिन उस ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता यानी इंटरनेट आपके फ़ोन में है। इसी तरह जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो असल में एक तार की तरह है जो हमें यूनिवर्सल नॉलेज से डायरेक्ट जोड़ती है, जिसमें गणित, फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी और खुद मानवों के अस्तित्व की बातें हैं, और उन्हें सिर्फ उन लोगों का इंतज़ार है जो इतने योग्य हों कि इन बातों को समझकर इस्तेमाल कर सकें। दुनिया के कई सारे फिलॉसफर्स, साइंटिस्ट, साइकेट्रिस्ट हैं जो इन सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं कि आइडियाज़ आते कहाँ से हैं। आप मेरे दिमाग को स्कैन करें, आपको पता चलेगा मैं सोच रहा हूँ, लेकिन आप मेरे विचारों का ठीक ठीक आंकलन नहीं कर सकते। दिमाग और मन का फर्क आज भी एक विवादास्पद विषय है और इसका जवाब काफ़ी उलझा हुआ है। हम आज तक दिमाग का आकलन नहीं कर पाए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि दिमाग कॉस्मिक इंटेलिजेंस के लिए एक रिसेप्टर्स के तौर पर काम करता हो? ऐसा ज्ञान जो हमारे शरीर से परे है, और अगर ऐसा है तो क्या ये यूनिवर्सल माइंड ब्रह्मांड में हर जगह से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर भले ही हमारे दिमाग में चीजें सोची जाती हो, पर असल में इसका केंद्र कहीं और मौजूद है। तो अगर हमारा दिमाग इस यूनिवर्स का पार्ट है, तो इस बात की संभावना है कि कई बार हमसे परग्रही चीजें टकराई होंगी, लेकिन हमें उनकी कोई खबर नहीं है। लेकिन अगर हम सभी उस परम ज्ञान से जुड़े हुए हैं और जीनेसिस असल में वो लोग हैं जो उसे डिकोड कर पाते हैं, तो क्या परग्रही हमें दिन रात उस दिशा में धकेल रहे हैं जब हम सभी परम ज्ञानी हो जाएंगे? वैज्ञानिकों का मानना है इसका पता हाल ही के ट्रेंड्स को एनालाइज करके लगाया जा सकता है। July 20, 1969 हम रहने के लिए तैयार हैं। हम बस 3,000 फीट ऊपर हैं। जब अपोलो 11 का लूनर लैंडिंग चांद की सतह को छूता है, तो सभ्यता विकास के एक नए दौर में पहुंच जाती है। वर्नर वॉन ब्राउन जैसे जीनियसेस ने इंसानों को पहली बार चांद पर भेजा था। इस एक घटना से पिछले 150 साल से हो रही वैज्ञानिक तरक्की को सराहा गया और दुनिया के लिए विकास के नए दरवाजे खुले। सन 1800 के करीब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो अगले 2 शताब्दियों तक समाज ने काफी प्रगति की। टेक्नोलॉजी भाप के इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन और अब न्यूक्लियर इंजन पर पहुंच गई है। विज्ञान ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स जैसी चीज़ें खोजी हैं जो हमारी रोज की ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं। हम जर्म थ्योरी, एनेस्थीसिया और वैक्सीन के दौर में हैं। पिछले 400 सालों में जीवन का हर पक्ष बदल चुका है। ये बहुत बड़े बदलाव हैं टेक्नोलॉजी में, साइंस में और हर किसी चीज में। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि मशीन्स की तरह ही स्पीड से हमारा दिमाग भी प्रगति कर रहा है। स्टडी ने पिछले 100 सालों में लोगों के आईक्यू में 38.5 अंकों का उछाल दर्ज किया है।
कई वैज्ञानिक इसके लिए बेहतर शिक्षा और पोषण को क्रेडिट देते हैं, लेकिन कई इसे हमारे चेतन मन का विकास मानते हैं, जिसकी वजह से हम कई लोग अंदर के जीनियस को ढूंढ पा रहे हैं। इंसानों की सोच का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इससे होने वाले ज़्यादातर चेंजेस धीमे हैं। हालांकि कई बार ये तेज़ी से भी हुए हैं, मगर हम ये कह सकते हैं कि 20वीं सदी का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सभ्यता और सोच को नई ऊंचाई पर ले गया। क्या आईक्यू का इस तरह से बढ़ना हमारे परम ज्ञान की तरफ बढ़ने का सबूत है? क्या धीरे धीरे हम ब्रह्मांड के ज्ञान को समझ पाने में सक्षम हो पा रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो क्या एक दिन हम अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को परम ज्ञान में मिलाएंगे? और क्या तब परग्रहियों के प्रति हमारा संदेह दूर होगा? पिछले 100 सालों में हमने टेक्नोलॉजी में अभूतपूर्व प्रगति की है, और मेरे ख्याल से यूएफओ एनकाउंटर्स और रिपोर्ट्स के बढ़ने के पीछे कारण यही है कि यूएफओ सोसाइटीज को हमारे समाज की प्रगति से तालमेल बिठाना पड़ रहा है। तो ये हमें कहां ले जाएगा? शायद ये हमें भगवान बनाएगा। हम उनकी तरह से सोचने लगेंगे और हमारे पास उनकी तरह शक्तियां और समझ भी होगी। परग्रही बड़ी चालाकी से हमें रास्ता दिखा रहे हैं। वो हमें सब कुछ अच्छे से बता रहे हैं ताकि हम सभ्यता का ठीक तरह से क्वांटम इवोल्यूशन कर सकें। मानवों के परम ज्ञान की तरफ बढ़ते हर कदम से समाज ऐसा बन रहा है कि एक रोज हम परग्रहियों से मिलने को एकदम तैयार होंगे और उनसे समान स्तर पर पेश आएंगे, और मेरे ख्याल से शायद वो भी यही चाहते हैं। जीनियसेस में वैसे उच्च स्तर के विचार कैसे आते हैं? क्या पुराने लोगों की बुद्धि के लिए शरीर से परे कोई और शक्ति जिम्मेदार है? क्या सारे ज्ञान की जड़ें अकाशिक रिकॉर्ड्स में मिल सकती हैं? इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब मॉडर्न जीनियसेस हम सबको भी परम ज्ञानी बना देंगे। और शायद तब हम अपने पूर्वज परग्रहियों से सीधे तौर पर मिलने को तैयार हो जाएंगे।